राजधानी दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान हमेशा किसी न किसी वजह से खबरों में बने रहते हैं। चाहे मामला राजधानी में अतिक्रमण पर बुलडोजर का हो या फिर दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ कोई दूसरा मामला, उसमें अमानतुल्लाह खान का नाम जरूर जुड़ जाता है। अब नया मामला दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह खान के बीच का है। दरअसल ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आप विधायक ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि पुलिस मुझे बताए कि आखिर मैंने कहां दंगे भड़काए, मैंने कौन सी ज़मीनों पर कब्जा किया या कहां अवैध निर्माण करवाया है, वो कौन सा गैंग है जिसका मैं हिस्सा हूं। आज मैंने दिल्ली पुलिस को मानहानि का नोटिस भेजा है, पुलिस या तो माफ़ी मांगे या फिर हर्जाना भरे। वहीं आप विधायक ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि दिल्ली पुलिस लगातार मुझे निशाना बना रही है। इस बार दिल्ली पुलिस ने मेरे परिवार को बदनाम करने के साथ साथ प्रतिष्ठा का अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार पर भी हमला किया है। दिल्ली पुलिस बिना किसी सबूत के मनगढ़ंत कहानी बना रही है। बता दें कि 12 मई को दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ MCD की बुलडोजर कार्रवाई का जमकर विरोध हुआ था। वहां स्थानीय लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव भी किया था। इस दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान भी मदनपुर खादर में मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने दंगा करने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर विधायक को गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने विधायक को आदतन अपराधी बताते हुए बैड कैरेक्टर भी घोषित किया था। अमानतुल्लाह खान पर जमीन पर कब्जा करने और मारपीट करने समेत कई मामले दर्ज हैं। जामिया नगर SHO ने 28 मार्च को अमानतुल्लाह खान को बंच ए का बैड कैरेक्टर बनाए जाने का प्रस्ताव जारी किया था, जिसे DCP ने स्वीकार कर लिया था। दिल्ली पुलिस द्वारा आप विधायक पर किए गए इस कानूनी कार्रवाई का ही नतीजा है कि विधायक ने दिल्ली पुलिस को लीगल नोटिस भेजा है। हालांकि आप विधायक के नोटिस पर दिल्ली पुलिस का अगला कदम क्या होगा वो देखना भी दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।